नमस्कार फ्रेंड, आज हम बायोडाटा बनाना सीखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले बायोडाटा के लिए हम यहाँ पे वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट का वर्ड ये सॉफ्टवेयर यूज करने वाले हैं। सबसे पहले हमें पेज सेटअप लेना है। इसके लिए पेज लेआउट पे क्लिक करने के बाद हम ये साइज लेंगे। जनरली A4 साइज यूज करते हैं, तो हम यहाँ A4 साइज बायोडाटा के लिए लेंगे। उसके बाद हमें पेज के लिए मार्जिन सेट करना है। मार्जिन के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे कस्टम मार्जिन के ऊपर क्लिक कीजिए। ये मार्जिन सेटअप हमें अभी करना है। पहले हम टॉप मार्जिन 0.8, बॉटम मार्जिन 0.8, लेफ्ट मार्जिन 0.5 और राइट मार्जिन 0.8 ये सेट कर देंगे। उसके बाद हम यहाँ ओके बटन पर क्लिक करेंगे। यह हमारा पेज सेटअप हो गया है। उसके बाद हम इस पेज को बॉर्डर कर देंगे, इसलिए डिजाइन पे क्लिक करके लास्ट में पेज बॉर्डर ऑप्शंस है, यहाँ पे क्लिक कीजिए। बॉर्डर एंड शेडिंग विंडो में बॉक्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे अब हमको जो बॉर्डर चाहिए ये लेंगे। बायोडेटा के लिए हम ये डबल बॉर्डर इस्तेमाल करेंगे। इस पे क्लिक करके यहाँ ओके पर ऊपर क्लिक करेंगे। हमारी यहाँ पेज को बॉर्डर यहाँ आ गई है। पहले हम अपना फोटो राइट साइड में लेंगे। इसके लिए हमें यहाँ एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना है। रेक्टेंगल ड्रॉ करने के लिए हमें इंसर्ट बटन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद शेप्स बटन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से रेक्टेंगल चूज करेंगे। माउस से यहाँ ड्रैग करके एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे। इस रेक्टेंगल में हमें हमारा फोटो लेना है, इसीलिए फॉर्मेट पे क्लिक करके हमें शेप्स फील्ड में क्लिक करके यहाँ पिक्चर पर क्लिक करना है। हमारा फोटो जहां पर स्टोर है वो फोटो पर क्लिक करके यहाँ पे इंसर्ट बटन पर क्लिक करना है। हमारा फोटो यहाँ आ जाएगा। बायोडेटा के लिए व्हाइट बैकग्राउंड और कलर फोटो का इम्प्रेशन ज्यादा अच्छा पड़ता है। अब हम डॉक्यूमेंट पर क्लिक करके हमें अभी बायोडेटा या रिज्यूम ये हेडिंग देना है। इसके लिए हमें ये अलाइनमेंट सेंटर में लेना है। ये अलाइनमेंट सेंटर के ऊपर क्लिक करने के बाद हमारा कर्सर पेज के सेंटर में आ जाएगा। हमारा बायोडेटा ये हेडिंग है, इसलिए हम उसकी साइज ये 14 कर देंगे और उसको बोल्ड कर देंगे। फिर हम यहाँ रिज्यूम या बायोडेटा ऐसा टाइप करेंगे। ये टाइप होने के बाद हम दो बार एंटर करेंगे और अलाइनमेंट है ये लेफ्ट कर देंगे। अलाइनमेंट लेफ्ट करने के बाद हमारा कर्सर तुरंत पेज के लेफ्ट साइड आ जाएगा। हम अभी बायोडेटा टाइप करने वाले हैं, इसीलिए इसका फॉन्ट 12 और बोल्ड निकाल देंगे। पहले हम अपना फुल नेम टाइप करेंगे। फुल नेम टाइप करने के बाद हमको अभी टैब सेट करने हैं। ये टैब का साइन है लेफ्ट साइड में, यह येल जैसा दिखता है। यह हम रूलर लाइन पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये लेफ्ट टैब सेट हो जाएगा। उसके बाद थोड़े अंतर के बाद फिर एक लेफ्ट टैब सेट करना है। फुल नेम जहां पे है वहां पर कर्सर क्लिक करके हमें टैब बटन प्रेस करना है। कीबोर्ड के ऊपर का टैब बटन जब हम प्रेस करते हैं तो जहां पे पहला लेफ्ट टैब हमने सेट किया है उसके ठीक नीचे हमारा कर्सर आ जाएगा। तो हम यहाँ कोलन और डैश टाइप करेंगे। अगेन हम दूसरा टैब सेट है उसके उसके नीचे जाने के लिए हम कीबोर्ड का टैब बटन प्रेस करेंगे। तो हमें यहाँ दिखाई दे रहा है कि जो टैब बटन है दूसरा हमने सेट किया है लेफ्ट टैब, उसके ठीक नीचे हमारा कर्सर आ गया है। हम यहाँ पे अपना फुल नेम टाइप करेंगे। फुल नेम टाइप करने से पहले हमारा जैसे बोर्ड सर्टिफिकेट पर नेम है वैसा ही हम ये नेम टाइप करेंगे। नेम टाइप्स करते समय पहला कैरेक्टर कैपिटल और बाकी के कैरेक्टर स्मॉल
लेटर में होने चाहिए। उसके बाद डबल एंटर करके हमें अपना पोस्टल एड्रेस टाइप करना है। पोस्टल एड्रेस टाइप करने के बाद कीबोर्ड पर ऊपर का टैब बटन प्रेस कर लीजिए। फिर एक बार कोलन और डैश टाइप कर दीजिए और यहाँ हम अपना पोस्टल एड्रेस टाइप करने वाले हैं। पोस्टल एड्रेस टाइप करते समय हमारा पूरा पोस्टल एड्रेस हम यहाँ टाइप करेंगे ताकि कोई लेटर आ गया पोस्ट से तो हमें वो मिल सकेगा। तो एट पोस्ट आपका जो भी हो ये टाइप करेंगे। उसके बाद एंटर करके लाइन के स्टार्ट में हमारा कर्सर आता है, टैप एक बार प्रेस करेंगे, फिर से एक बार टैप की प्रेस करेंगे तो हमारा डिस्ट्रिक्ट हम अभी टाइप कर रहे हैं, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट हो, जो भी आपका स्टेट हो। उसके बाद एंटर कर दीजिए तो कर्सर फिर से एक बार लाइन के स्टार्ट में आ जाएगा। कीबोर्ड के ऊपर के टैब बटन प्रेस कीजिए, उसके बाद फिर से एक बार टैब बटन प्रेस कीजिए और यहाँ पे हमारा पिन कोड नंबर आप टाइप कीजिए, जो भी आपका पिन कोड है वह। डबल एंटर करके हम अभी अपना कॉन्टैक्ट नंबर टाइप करने वाले हैं। अभी हम कॉन्टैक्ट नंबर जो भी है वो मोबाइल नंबर आपका यहाँ टाइप कर दीजिए। ये जो मैंने नंबर टाइप किए हैं ये मेरा मोबाइल नहीं है, लेकिन आपको एग्जांपल के लिए मैंने ये नंबर टाइप किया है। फिर से एक बार दो बार एंटर कर दीजिए। उसके बाद अपना जो ईमेल आईडी है वो यहाँ पे टाइप कर दीजिए। मैं मेरा यहाँ ईमेल आईडी टाइप कर रहा हूँ। उसके बाद डबल एंटर कीजिए, हमारा जो डेट ऑफ बर्थ है ये टाइप कीजिए, टैब बटन प्रेस करके कोलन डैश कर टाइप कर दीजिए, फिर से एक बार टैब बटन प्रेस करके अपना जो डेट ऑफ बर्थ है ये टाइप करेंगे। डेट ऑफ बर्थ ये ऐसे भी टाइप होता है स्लैश देने के बाद, या हम यहाँ पे 14 अप्रैल 1997 ऐसे भी टाइप कर सकते हैं। इसके बाद हम हमारा जेंडर टाइप करेंगे, जो भी है यहाँ पे मेल लड़कियाँ, यहाँ पे फीमेल टाइप करेंगे। उसके बाद हम हमारा शादी का स्टेटस है जो जो भी वो हम टाइप करेंगे। अगर कोई अनमैरिड है तो यहाँ पे अनमैरिड टाइप कीजिए, अगर मैरिड होगा तो मैरिड टाइप कर दीजिए। अब हम जेंडर टाइप करने के बाद आगे रिलीजन एंड कास्ट यहाँ पे टाइप करेंगे। रिलीजन का मतलब है आपका कौन सा धर्म है और कास्ट का मतलब है आपकी कौन सी जाति है। तो हम यहाँ अभी हिंदू कास्ट आपके अगर जो भी है ये हम टाइप करेंगे, अगर मराठा हो तो मराठा, माली हो तो, या ब्राह्मण हो तो, जो भी आपके कास्ट है वो टाइप करेंगे। तो मैं यहाँ फॉर एग्जांपल के लिए कास्ट टाइप कर रहा हूँ। उसके बाद हम यहाँ पे कौन सी कैटेगरी में आपकी कास्ट आती है ये कैटेगरी लेंगे। आपको हर एक को आप अपनी अपनी कैटेगरी मालूम रहती है, तो या मैं यहाँ ओपन या ओबीसी या एससी या एसटी जो भी कैटेगरी है हम यहाँ पे डालेंगे। एग्जांपल के तौर पर मैंने यहाँ पर एक कैटेगरी टाइप की है। इसके बाद हमको कौन से लैंग्वेजेस आते हैं तो लैंग्वेजेस हम यहाँ पे टाइप करेंगे। तो हेडिंग देंगे लैंग्वेजेस नोन, उसके बाद कोलन डैश टैप बटन प्रेस करके, उसके बाद फिर से एक बार टैप बटन प्रेस करके जो भी लैंग्वेज आते हैं हमको भी इंग्लिश या हिंदी या मराठी, आपके कौन से भी अभी ज़्यादा लैंग्वेज आते हैं या उर्दू है गुजराती है तो वो भी आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। उसके बाद आपका जो भी ब्लड ग्रुप है ये ब्लड ग्रुप यहाँ पे टाइप कर दीजिए और टैब बटन प्रेस करके कोलन डैश टाइप करिए। फिर से एक बार टैब बटन प्रेस करके यहाँ पे हम ब्लड ग्रुप जो भी है अपना वो टाइप करेंगे, जो भी बी पॉजिटिव हो या कोई भी ए बी पॉजिटिव हो वो भी आप यहाँ पे टाइप करेंगे। उसके बाद जो हॉबीज़ हैं वो यहाँ पे टाइप कर दे, रीडिंग बुक या कोई भी हो, प्लेइंग ए क्रिकेट, रीडिंग अ बुक,
चेस प्लेइंग कोई से भी हो, अपना जो हॉबीज है एक दो कॉमा करके या एक ही है तो वो आप यहाँ पे टाइप कर दीजिए। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण है वो है एजुकेशनल टेबल। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऐसा इसको हेडिंग देके उसको अभी हम एजुकेशनल टेबल तैयार करेंगे। तो एजुकेशनल टेबल के लिए हमें इंसर्ट में जाके टेबल के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। तो हमको क्या क्या चाहिए, अभी सीरियल नंबर या अभी एग्ज़ाम नेम, बोर्ड और यूनिवर्सिटी नेम, डेट ऑफ पासिंग और टोटल मार्क, ऑप्टेन मार्क और परसेंटेज। ऐसे हमको अभी ये 6x2 का हमने ये टेबल लिया है, तो यहाँ पे क्लिक कर दीजिए तो 6x2 का नीचे अपने आप टेबल तैयार हो जाएगा। तो पहले जो है हमारा अभी सीरियल नंबर ही हम टाइप करेंगे। तो अगले यहाँ पे जाके माउस पर क्लिक कर दीजिए या कीबोर्ड के ऊपर जो टैब बटन है वहाँ पे अभी ये प्रेस कर देगा तो अपने आप कर्सर अपने नेक्स्ट सेल में आ जाएगा। टेबल का हर एक जो रेक्टेंगल रहता है उसको सेल बोलते हैं। तो अभी इसको एग्ज़ाम नेम ऐसा टाइप करना है, उसके बाद बोर्ड ऑब्लिक यूनिवर्सिटी कौन सी है आपकी ये हेडिंग देना है, उसके बाद डेट ऑफ पासिंग यही देना है। बहुत से लोग यहाँ पे मंथ और ईयर भी टाइप करते हैं, लेकिन अभी कुछ कुछ ऑनलाइन फॉर्म भरते वक्त डेट ऑफ पासिंग की ज़रूरत होती है। तो अभी भी हम डेट ऑफ पासिंग यहाँ पे टाइप करेंगे तो हमको आगे ऑनलाइन फॉर्म भरते वक्त वक्त ये बायोडाटा यूज़ में आ जाएगा। तो यहाँ पे हम ऑप्टेन मार्क्स और टोटल मार्क्स ऑब्लिक यहाँ पे टोटल मार्क्स के टाइप करेंगे, उस ये हेडिंग देगी। उसके बाद कितने परसेंटेज है, परसेंटेज ऑफ मार्क्स कितने आए हैं ये हम टाइप करेंगे। तो हम जब अभी ये लास्ट सेल पे आ गए हैं यहाँ पे, तो हम अभी नेक्स्ट यहाँ पे जाना है तो सिंपल माउस पे क्लिक करके जाएंगे या टैब बटन प्रेस करके भी जा सकते हैं। अभी यहाँ पे सीरियल नंबर अभी है जो एक नंबर मैंने टाइप किया है। एग्ज़ाम नेम जो है, अभी बहुत से लोग क्या करते हैं कि पहले SSC या स्टार्टिंग से शुरू में से SSC HSC BA MA ऐसा टाइप करते हैं, या हम उल्टा करेंगे जो हमारी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है वो पहले टाइप करेंगे। जैसे कि मैं या अगर आपके हाईएस्ट क्वालिफिकेशन MA है या कोई MSc है ये आपको यहाँ पे टाइप कर दीजिए। ये ध्यान में रखना है कि MSc कौन से सब्जेक्ट में है, अभी फिजिक्स में है केमिस्ट्री में है, तो अपने ब्रैकेट में वो सब्जेक्ट डाल दीजिए। कौन से यूनिवर्सिटी में आपने ये किया है तो उस यूनिवर्सिटी या बोर्ड का नाम यहाँ पे टाइप कीजिए। तो यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे है या यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई है, SNDT है। तो डेट ऑफ पासिंग ये सर्टिफिकेट के लेफ्ट या राइट हैंड नीचे लिखा होती है तो वो देख के वो टाइप करना है। अभी मैं यहाँ 12th जून 2016 ये टाइप कर रहा हूँ। उसके बाद टोटल मार्क वो सर्टिफिकेट पे लिखे होते हैं, मैं यहाँ एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ दे रहा हूँ। उसके बाद कितने परसेंट होते हैं वो मैं यहाँ दे रहा हूँ, ये मैंने अप्रोक्सीमेटली अभी कैलकुलेट नहीं किया है लेकिन वो मैंने यहाँ पे टाइप किया है। तो सेकंड जो है, अभी मैं यहाँ पे BSc ये एग्जाम्पल के लिए दे रहा हूँ। अगर आपका कोई MA BCOM हुआ हो या BA हुआ ये टाइप करेंगे, जो स्पेशल सब्जेक्ट उसका कौन से यूनिवर्सिटी से हुआ है, ये यूनिवर्सिटी का नेम यहाँ पे हम टाइप करेंगे। कौन से मंथ ऑफ जो है वो पासिंग डेट यहाँ पे लिखेंगे, उसके बाद कितने मार्क्स यहाँ पे पड़े हैं ये, और टोटल मार्क्स तो कितने परसेंटेज हुए हैं ये टाइप करेंगे, परसेंटेज का साइन देंगे। थर्ड, अभी HSC जो हुआ है हमारा कौन से साइड में हुआ है, साइंस में हुआ है या आर्ट में हुआ है या कॉमर्स में हुआ है ये हम टाइप करेंगे उसका जो। और उसके बाद बोर्ड रहता है तो कौन से बोर्ड पे है, या CBSE क्या वो है या महाराष्ट्र बोर्ड है ये हम यहाँ पे टाइप करेंगे। उसका जो HSC का जो पासिंग डेट है ये यहाँ पे टाइप करेंगे 14th मई 2012 या 11 को हमने ये HSC पास किया है, एग्जाम्पल के तौर पर लिया है मैंने भी। ये 312 मार्क, इसको 600 और उसके जो परसेंटेज है 51.05 ऐसा हमको परसेंट मिला है तो हमने वो परसेंटेज टाइप किया है।
अभी फोर्थ में हम एसएससी टाइप करेंगे, वो महाराष्ट्र बोर्ड से है, ये भी हम यहाँ पे टाइप करते हैं। तो उसके बाद डेट ऑफ जो पासिंग है वो 13 जून 2009, तो कितना टोटल हुआ है 520 कितना, तो अभी ये 410 अभी आउट ऑफ 50, तो कितने परसेंटेज हुआ है ये हम यहाँ पे टाइप करेंगे और परसेंटेज का साइन देंगे। यहाँ पे देखिए अभी ये टेबल हम हमारा तैयार हो गया है, लेकिन उसको एडिट करना बाकी है। तो हम कैसे एडिट करते हैं, ये पहली रो सिलेक्ट कर लेते हैं, होम पे जाते हैं, उसको बोल्ड कर देते हैं, तो हेडिंग आ गया वो बोल्ड। उसके बाद यहाँ पे अलाइनमेंट उसको सेंटर कर देते हैं, तो एक सेंटर में आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे टेबल टूल अपने आप आ जाता है, जब हम अपने टेबल के ऊपर क्लिक करते हैं तो टेबल टूल आ जाता है। तो हम टेबल टूल के नीचे लेआउट पर क्लिक करेंगे और ये यहाँ पे सेंटर अलाइनमेंट है, अलाइन सेंटर यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो आप देखेंगे कि हर एक वर्ड जो है, जो मैटर है, वो सेल के सेंटर में आ गया है। उसके बाद हम यहाँ पे उसको कॉलम जो साइज है ये कम ज़्यादा कर देंगे, ये जो लाइन है यहाँ पे कर्सर लेंगे तो यहाँ टू साइडेड एरो आ जाएगा, या ऊपर रूलर लाइन पे भी हम उसको चेंज कर सकते हैं, ये कम कर रहे हैं अभी, तो एग्जाम नेम है, ये कम ज़्यादा हम कर सकते हैं यहाँ पे या यहाँ पे, ऐसे भी आपको जो भी सूटेबल लगे। डेट ऑफ पासिंग आप यहाँ पे कम या ज़्यादा कर सकते हैं, परसेंटेज ऑफ मार्क आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, ऐसा एक अच्छे तरह से आपको ये एडिटेड टेबल करना पड़ेगा। तो ये हमारा टेबल अभी तैयार हो गया। उसके बाद का जो हमारा फील्ड है वो है एक्सपीरियंस। अभी अभी यहाँ पे कोई लोग अभी कंप्यूटर का कोर्स करते हैं, तो आईटीआई करते हैं या कोई, तो यहाँ पे सबसे नीचे भी ये टाइप करेंगे तो भी चलेगा। तो यहाँ पे MSCIT अभी मैंने किया है, तो कौन से बोर्ड्स का है वो MSBT बोर्ड का रहता है वो कोर्स, तो MSBT रहा। कि कौन से तारीख को हम पास हुए, तो 15 मई 2010, या कितने मार्क हमको ये 85 आउट ऑफ 100, तो परसेंटेज होते हैं 85, वो हम यहाँ टाइप कर सकते हैं। हमें उसका नीचे का कॉल, अब हम यहाँ पे एजुकेशनल टेबल के बाद यहाँ पे अभी एक्सपीरियंस टाइप करने वाले हैं। तो अभी आप कहाँ पे काम कर चुके हैं, तो अब यहाँ पे इसका एक्सपीरियंस आ जाएगा। तो टैब दे के भी कॉलन टाइप किया है। अगर आप कोई का कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो यहाँ पे अभी फ्रेश टाइप कर सकते हैं या डैश टाइप कर दीजिए। अभी हमका कोई एक्सपीरियंस है, किस कंपनी में काम किया है या कोई गवर्नमेंट ऑफिस में काम किया है, तो उसका भी हम टेबल बनाएंगे, तो आपका इम्प्रेशन और ज़्यादा अच्छा पड़ेगा। तो इसके लिए हम कैसा टेबल बनाते हैं, फिर से एक बार हम टेबल बनाने के लिए इंसर्ट पे जाएंगे। तो टेबल ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ये सीरियल नंबर, उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन नेम कहाँ पे आपने काम किया है, डिसिग्नेशन कौन से पद पर आप काम कर रहे हैं, पीरियड फ्रॉम एंड पीरियड टू, उसके बाद टोटल एक्सपीरियंस इन मंथ एंड ईयर जो भी है। तो फिर से एक बार हम ये 6x2 का टेबल लेंगे और यहाँ पे हम इस यहाँ पे क्लिक करके, तो अपने आप ये टेबल एक्सपीरियंस के नीचे तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे हम ये सीरियल नंबर, उसके बाद ये अगले सेल पे जाने के लिए टैब बटन प्रेस करेंगे, या माउस के थ्रू भी हम यहाँ पे क्लिक करके जा सकते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन नेम यहाँ पे हम टाइप करेंगे, उसके बाद डेसिग्नेशन जो भी है, उसके बाद पीरियड फ्रॉम पीरियड टू कहाँ से कहाँ तक आपने काम किया है, वो डेट पीरियड स्टार्टिंग डेट और जो लास्ट अपने काम छोड़ा है वही डेट, उसके बाद एक्सपीरियंस टोटल एक्सपीरियंस इन मंथ,
इन ईयर एंड मंथ ऐसा भी टाइप करेंगे तो भी चलेगा। उसके बाद मैंने यहाँ पे जो भी एक्सपीरियंस है फर्स्ट एक्सपीरियंस वो टाइप किया है, तो ऑर्गेनाइजेशन नेम है बजाज कंपनी, पुणे का है। अभी कौन से पता था वो केमे, अभी वे केमिकल इंजीनियर के डेसिग्नेशन पर था। तो पीरियड कौन सा था अभी है? 1 जनवरी 2060 टू 31 दिसंबर 2060, ऐसा हम टाइप करेंगे। या अभी तक आप जो काम कर रहे हैं अभी तो हम यहाँ पे अभी ऐसा खाली लिख देंगे टिल डेट। टिल डेट यानी अभी तक आप यहाँ पर काम कर रहे हैं, तो उनको समझ में आ जाएगा कि आपका काम अभी तक चल रहा है। लेकिन आपने ये जॉब अभी छोड़ा है तो कौन से तारीख को छोड़ा है, ये तारीख यहाँ पे हम टाइप करेंगे। तो टोटल एक्सपीरियंस यहाँ पे होता है 1 ईयर और 0 मंथ, अभी 1 मंथ 1 मंथ होगा, तो हम यहाँ पे 1 मंथ टाइप करेंगे। उसको फिर से एक बार एडिटिंग करना है। ये पहली रो सेलेक्ट करके हम होम के ऊपर जाएंगे, यहाँ पे होम टैब के ऊपर, और यहाँ पे बोल्ड ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। तो ये बोल्ड हो गया है। फिर से एक बार ये टेबल टूल के यहाँ लेआउट पर क्लिक करेंगे, और जो ये सेंटर अलाइनमेंट यहाँ दिखाई दे रही है यहाँ पे क्लिक करेंगे, तो जो मैटर है आपका वो सब सेल के सेंटर में आ जाएगा। फिर से एक बार यहाँ जो सेल है वो कम या ज़्यादा कर लेंगे। यहाँ पे रूलर लाइन पे भी कर्सर लेके टू साइडेड एरो होता है, या लाइन पे भी टू साइडेड एरो होता है, यहाँ पे हम माउस का बटन प्रेस करके ये कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो हम जितना हमको ज़रूरत है उतना कम या ज़्यादा करेंगे। ये टोटल एक्सपीरियंस का जो कॉलम है, पीरियड टू भी थोड़ा सा बढ़ाएंगे। तो इस तरह से हमारा भी एक्सपीरियंस हमने टाइप किया है। उसके बाद जो आता है वो है डिक्लेरेशन। तो डिक्लेरेशन क्या होता है कि हम ये डिक्लेयर करते हैं कि आई एम, ये जो इन्फॉर्मेशन है ये मेरी तरफ से क्लियर है, ऐसा मैटर है। आई द अंडरस्टैंड हेयर बाय डिक्लेयर दैट ऑल द इन्फॉर्मेशन इज ट्रू और बेस्ड ऑफ माई नॉलेज, ऐसा हमने टाइप किया है। उसके बाद हम यहाँ पे टाइप करेंगे प्लेस कौन सी है, आपकी जो भी जहाँ पे आप रहते हो वो इस शहर का नाम पुणे हो या मुंबई हो, जो भी है आप जहाँ रहते हैं उसका नेम, और किस तारीख को ये बायोडाटा तैयार गया है, ये तारीख यहाँ पे टाइप करनी है। अगर आप यहाँ टाइप नहीं करना चाहते तो ये ब्लैंक रख दीजिए। अगर आप जिस दिन ये बायोडाटा देंगे उस दिन की तारीख हाथ से लिख कर दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे राइट जो है अलाइनमेंट लेके अपना यहाँ पे फुल नेम टाइप करना है। तो फुल नेम जो है वो हम ऊपर जैसा लिखा हुआ है वैसा ही हम टाइप करेंगे, वो ब्रैकेट में लेंगे। तो इस तरह से हमारा ये बायोडाटा पूरा तैयार हो गया है। तो अभी हमको क्या करना है, जो हेडिंग है उसको अभी हम थोड़ा सा बोल्ड कर देंगे। तो सिलेक्ट कर लीजिए और बोल्ड के ऊपर क्लिक कर दीजिए। तो हर एक हेडिंग जो है वो सिलेक्ट करके आपको बोल्ड करना है। तो मैं यहाँ दिखाता हूँ अभी, ये फुल नेम बोल्ड क्या है, पोस्टल एड्रेस बोल्ड क्या है, कॉन्टैक्ट नंबर बोल्ड क्या है, ईमेल आईडी अभी बोल्ड क्या है, डेट ऑफ बर्थ, और डेट ऑफ बर्थ मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया है। कंट्रोल बटन प्रेस करके मैं अभी ये सब सिलेक्ट कर लेता हूँ। अगर हम कीबोर्ड के ऊपर कंट्रोल पर कंट्रोल प्रेस करेंगे और माउस से इसे सिलेक्ट करेंगे तो खाली हम जो सिलेक्ट कर रहे हैं वही सिलेक्ट होगा, और उसको हम एक साथ बोल्ड कर सकते हैं, आप अलग अलग भी बोल्ड कर सकते हैं। तो मैंने एक साथ यहाँ पे अभी ये देखिए बोल्ड हो गया है। और सबसे आखिर में हमको जो करना है वो है ये बायोडाटा सेव करना है। तो हम फाइल के ऊपर जाके यहाँ पे सेव करेंगे या सेव एज करेंगे। तो कंप्यूटर पे कौन से लोकेशन पे वो कंप्यूटर के प्रेस करके और ब्राउज के ऊपर क्लिक करके जो भी लोकेशन है, जो भी आपको नाम नेम देना है, यहाँ पे मैं अभी मेरा नाम दे रहा हूँ, ये
दीपक काले बायोडेटा ऐसा हम टाइप करेंगे और यहाँ पे सेव बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। तो हमको ये दिखाई देगा कि ऊपर ऊपर यहाँ पे दीपक काले बायोडेटा ये अपना सेव होने के बाद यहाँ नेम दिखाई दे रहा है। अगर ये नेम दिखाई देता है तो आपका बायोडेटा सेव हो गया है ऐसा समझिए। ये बायोडेटा अगर हमको प्रिंट करना है तो हम यहाँ पे फाइल के ऊपर जाके प्रिंट करेंगे और जो भी प्रिंटर है वो सिलेक्ट करेंगे और प्रिंट के ऊपर क्लिक करने के बाद हमारा ये बायोडेटा प्रिंट हो जाएगा। आखिर ये मैं वर्ड 2030 का सॉफ्टवेयर जो है वो टूल इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो अगर यही इसी को हम पीडीएफ में कन्वर्ट करना है, बहुत से लोगों को बायोडाटा पीडीएफ या कोई भी वर्ड का डॉक्यूमेंट पीडीएफ में कैसे कन्वर्ट करता है करते हैं ये मालूम नहीं होता है, तो वो भी हम देखेंगे और या आज का सेशन स्टॉप करेंगे। तो देखते हैं पीडीएफ में ये कैसे कन्वर्ट करते थे। तो फाइल में जाकर यहाँ पे सेव एज कर दीजिए, यहाँ पे कंप्यूटर के ऊपर क्लिक करके ब्राउज के ऊपर क्लिक कर दीजिए, जो भी नेम है आपका बायोडाटा का वो टाइप कर दीजिए। उसके बाद सेव एज टाइप है, यहाँ पे जाके यहाँ पे पीडीएफ लिखा हुआ है तो पीडीएफ के ऊपर क्लिक करके यहाँ सेव करना है। ये पीडीएफ के ऊपर पीडीएफ ये सेव होगा और अपने आप पीडीएफ ओपन होके कैसे दिखता है ये भी दिखाई देगा। तो हमारा बायोडाटा ऐसे पीडीएफ में सेव हो गया है अभी तक। तो ये जो बायोडाटा कैसे तैयार करता है करते हैं वर्ड 2030 में मैंने आपको बताया। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो नीचे सब्सक्राइब बटन है वहाँ पे क्लिक कर दीजिए और लाइक बटन नीचे दिया हुआ है उसी पे भी क्लिक कर दीजिए। अगर आप उसको शेयर करना चाहिए तो ज़रूर ज़रूर शेयर कर दीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।